नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी? आज हम साथ में सीखेंगे ओम का सही उच्चारण। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि योग में ओम का क्या अर्थ है और इसकी चैंटिंग से हमें किस तरीके के लाभ मिल सकते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में ओम का वर्णन किया है और उनके अनुसार ओम तीन दिव्य शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। पहली दिव्य शक्ति है क्रिएशन यानी कि निर्माण, दूसरी है प्रेजर्वेशन यानी कि संरक्षण, और तीसरी है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। ये हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों को कनेक्ट भी करता है। ये भी कहा जाता है कि जब सारी ध्वनियों को एक जगह एकत्रित किया जाए तो ओम शब्द ही बनता है। ये बहुत ही गहरा है और इसको सही तरीके से अगर हम उच्चारण करें, चैंट करें, तो इसके बहुत से शारीरिक और मानसिक लाभ हमें मिल सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें ओम चैंटिंग क्यों करनी चाहिए। हमारे शरीर में तीन तरीके के दोष होते हैं, पहला कफ, दूसरा वात और तीसरा पित्त। डिटेल में इसकी वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, पर मैं आपको अभी ये बता दूं कि ओम चैंटिंग करने से ये हमारे दोष बैलेंस होते हैं, इनमें स्थिरता आती है और ऐसा होने से बहुत सी बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये ओम चैंटिंग से हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, और वो आती है हमारे आसपास से। आप अगर डेली ओम चैंटिंग करते हैं तो आप धीरे धीरे खुद से कनेक्ट करते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं। ओम चैंटिंग हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को बहुत रिलैक्स करती है। एंग्जाइटी की दिक्कत है, घबराहट है, नींद अच्छे से नहीं आती है, सरदर्द रहता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और डिप्रेस फील करते हैं, तो आपको ओम चैंटिंग ज़रूर करनी चाहिए। साथ में ओम चैंटिंग भावनात्मक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी क्रोधित हो जाते हैं या बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हैं, हर तरीके के इमोशंस को बैलेंस करने के लिए भी ओम चैंटिंग बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि उच्चारण कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और कहाँ बैठ के करना चाहिए। तो ये आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते। वैसे सबसे अच्छा ये है कि आप नीचे ज़मीन पर सुखासन में बैठ के इसको करें। इसका जो सही समय है वो है सुबह का टाइम। जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले आप ओम चैंटिंग करें। इसको आप नहाने से पहले कर सकते हैं, नहाने के बाद भी कर सकते हैं, खाली पेट भी कर सकते हैं, और अगर पेट भरा हुआ है तो भी हम इसको चैंट कर सकते हैं। सही तरीका ये है कि आप सुबह उठें, फ्रेश हो और आप इसकी चैंटिंग शुरू कर दें। तो चलिए हम साथ में सीखते हैं कि कैसे हमें इसको करना है। ओम तीन ध्वनियों से मिलके बना है, इसको बोला जाता है अओम। पहला होता है अ, दूसरा उ और तीसरा म। तीनों ध्वनि अपने आप में अलग ध्वनियां हैं और इनके वाइब्रेशन का जो फर्क होता है हमारे शरीर पर वो भी अलग होता है। तो हम पहले एक एक ध्वनि सीखेंगे और फिर साथ में कंबाइन करके ओम को कैसे हमें उच्चारण करना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है अ। अ का हमें जब उच्चारण करना है तो वो निकलेगा हमारे पेट से, हमारी बेली से, और उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन भी होगी। तो हमें हाथ अपना रखना है इस तरीके से चिन मुद्रा में। ये देखिए, आपने जो कंधे हैं उनको सीधा रखिए, पीठ एकदम सीधी रखिए, आंखें बंद कर लीजिए और अंदर पहले एक गहरा सांस लें। तो सिंपल आ हमें करना है, पेट से उसको निकालना है और थोड़ा लाउड करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा वाइब्रेशन, थोड़ा सा कंपन आपको महसूस होगा। दूसरा ध्वनि है उ। उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने लिप्स को ओ के शेप में कर लेंगे और फिर आवाज़ निकालेंगे, तो जो ध्वनि है वो उ की तरह निकलेगी। ठीक है, तो ये मिडिल वाला ध्वनि है। आँखें फिर से बंद कीजिए, सांस अंदर फिर लेंगे। अच्छा, तीनों ध्वनि सांस बाहर छोड़ते हुए ही करा जाता है, तो ओम का उच्चारण सांस को छोड़ते हुए किया जाता है और जो नॉर्मल सांस है वो हम नाक से ही लेते हैं। तो चलिए ऊ का हम उच्चारण करेंगे, आंख बंद कीजिए।
और आखिरी ध्वनि होती है म। मा से हम इसको ख़त्म करते हैं, जो सबसे लंबा निकाला जाता है, जिसमें हमारे लिप्स बंद होते हैं और हम धीरे 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 वाइब्रेशंस और हमिंग साउंड निकालते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे हम भ्रामरी में करते हैं। तो क्या करेंगे, हम फिर से आंखें बंद करेंगे, सांस अंदर लेंगे, लिप्स बंद रहेंगे हमारे, जब हम पहली ध्वनि निकालते हैं तो उसमें हम अपने पेट का इस्तेमाल करते हैं, वो आवाज़ हमारे पेट से आती है। दूसरा जो ऊ है वो हमारे चेस्ट से आती है और तीसरा हमारे थ्रोट से आती है। अब ये जब तीनों ध्वनि हम कंबाइन करेंगे तो ये साथ में ओम निकलेगा, ठीक है। तो वैसे हम इसे ओम बोलते हैं, बट इसको सही तरीके से जब उच्चारण किया जाता है तो ये ओम होता है, ठीक है। तो अब हम तीनों को कैसे कंबाइन करेंगे वो आप एक बार मेरे साथ कीजिए, या फिर आप एक बार देख लीजिए और फिर अगली बार हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सांस अंदर लीजिए, सांस फिर से अंदर, एकदम खुद को रिलैक्स रखें, कंधे सीधे रखें, आप शुरू में 7 बार ओम का उच्चारण कीजिए। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए डेली करेंगे। जब आप इसको करते रहेंगे तो आप एक मेडिटेशन स्टेज में भी आ जाते हैं। तो जिन लोगों को मेडिटेशन करने में दिक्कत आती है तो वो पहले सही तरीके से ओम करना सीखें और उसके बाद मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए साथ में 1-3 बार और करेंगे। एक बार कंटिन्यूसली आँखें बंद कर लीजिए, फिर एक गहरा सांस लें अंदर। जब आप अच्छे से ओम उच्चारण कर लें उसके बाद आपको थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है। गहरी गहरी सांसें लेंगे, अच्छे से पूरा सांस अंदर भरें, और जब सांस अंदर भरेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा, पूरा शरीर फूल जाएगा, और फिर धीरे धीरे सांस को निकालें। और ये काम आपको बिल्कुल आराम से और धीमे धीमे करना है। कम से कम 7 गहरी सांसें लें आप पूरा ओम उच्चारण खत्म होने के बाद, ये आपको बहुत रिलैक्स करेगा। गहरी सांसों के साथ आप उज्जयी ब्रेथ भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, हथेलियों को आंखों के ऊपर, सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर, दोनों हाथ वापस नीचे चिन्ह मुद्रा में,
और फिर धीरे से अच्छी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। तो दोस्तों, ये था मेरा एक प्रयास आपको सही तरीके से ओम उच्चारण सिखाने का। आप इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप जब ऐसा कर रहे हैं तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया। अगर कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपसे बात करूँगी और फिर मैं आपको किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मिलूँगी। नमस्ते।